गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एंडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे उड़ीसा टेट का नोटिफिकेशन 2024, जिसमें आप लोग पेपर वन और टू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आज के डेट में ये इन्फॉर्मेशन है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा इज़ ऑल सेट टू प्लेस द नोटिफिकेशन फॉर द टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 24 फॉर द पेपर वन एंड टू। इस साल के लास्ट में पेपर वन और पेपर टू का एग्ज़ाम हो सकता है ओटेट का। कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द टेट विल बी एबल टू अप्लाई विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट BSEodisha.ac.in पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है मे भी आ सकता है इस साल के इलेक्शंस के बाद, या हो सके तो पूजा के बाद, ये अक्टूबर के बाद नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसमें आप लोग पेपर वन और पेपर टू अप्लाई कर सकते हैं। इसका ओवरव्यू है, कंट्री इंडिया, स्टेट उड़ीसा, एग्जाम नेम उड़ीसा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा BSE उड़ीसा, एप्लीकेशन डेट एक्सपेक्टेड स्टार्टेड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 2024, यानी पूजा के बाद या 2024 के एंड तक शुरू हो सकता है। एग्ज़ाम भी 2025 के शुरू में, जनवरी या फरवरी तक एग्ज़ाम हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट है BSEodisha.ac.in और इसमें पेपर वन और पेपर टू आप लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पेपर वन के लिए 10+2 होना चाहिए और DLED या 4 साल का BE या BELED होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए पेपर टू के लिए, या 2 साल का DED या BED होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है, उड़ीसा वालों के लिए कोई एज लिमिट फिक्स नहीं है। ओके, एप्लीकेशन का जो फ़ी है, पेमेंट का जो मोड है, पेपर वन के लिए 500 रुपीज़, जो जनरल कैंडिडेट है पेपर वन एंड पेपर टू, और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को 300 रुपीज़ पे करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से तकरीबन 10 दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम का जो डेट है ये बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट अभी कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न्स है, एग्ज़ाम का जो मोड है, ऑनलाइन होगा। ड्यूरेशंस पेपर वन के लिए 150 मिनट, 150 क्वेश्चंस, पेपर टू के लिए भी 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, और जो मिनिमम जो मार्क्स है 150 में, 150 मार्क्स का पर क्वेश्चंस MCQ होंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। और इसमें नॉर्मली जो टेट का जो सिलेबस है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है उड़िया, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, बंगाली, पेपर टू इंग्लिश सबों के लिए कॉमन है, मैथमेटिक्स, EVS और साइकोलॉजी सबों के लिए कॉमन है। पेपर टू भी वैसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज, लैंग्वेज टू इंग्लिश, और ऑप्शनल सेक्शन जैसे किसी का मैथ है, मैथ साइंस, और किसी का SST का सोशल साइंस, और क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो मीडियम होगा उड़िया और इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एक इन्फॉर्मेशन अबाउट उड़ीसा टेट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना भूले, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।